सब्सक्राइब टू माय चैनल सूरज प्रकाश फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट सरफेस लैपटॉप गो। जी हाँ, गो वाला वर्जन जो है सरफेस लैपटॉप का लॉन्च हो चुका है, और क्योंकि ये अभी ग्लोबल लॉन्च हुआ है दोस्तों, इंडिया में भी डेफिनेटली जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और हर बार की तरह दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का एक ही रोना धोना रहता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं वो लोग काफी ज्यादा लेट जो है इंडिया में लॉन्च करते हैं। सो मे बी अभी जो है ये प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉन्च हो गया हो, लेकिन इंडिया में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स अराउंड 4 से 5 महीने बाद में। बात करते हैं इसके कुछ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, स्टार्ट्स एट $549, सो अराउंड अगर हम $600 भी माने तो अराउंड जो है दोस्तों 45,000 to 50,000 रुपीज जो है फ्रेंड्स आप लोग कह सकते हैं कि उसमें बेसिक वाला वर्जन मिलेगा। और बेसिक वाले वर्जन से मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों आप लोगों को अभी थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ऊपर से जो है कुछ कुछ लैपटॉप ऐसे दिखता है। 12.4 इंच का जो है दोस्तों इसका डायगोनली डिस्प्ले है, पिक्सल सेंस वाला, 3:2 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। तो समवे स्क्वायरिश तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए जिस चीज के लिए बनाया गया है दोस्तों उस चीज के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और कलर की बात करें तो ब्लू कलर, रोज, गोल्डिश कलर और थोड़ा व्हाइटिश कलर जो है दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और इंडिया में कौन सा कलर लॉन्च होता है दोस्तों ये देखने वाली बात होगी। ब्लैक कलर इसमें जो है अवेलेबल नहीं है। ऑल डे बैटरी लाइफ आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है दोस्तों। बैटरी लाइफ वेरी सिग्निफिकेंटली विद सेटिंग एंड यूजेस एंड अदर फैक्टर्स, तो ये लोग चलो इस बात को एग्री करते हैं, तो आप ऐसे चिल मार सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इंडियन सिनारियों के हिसाब से इनकी प्राइसिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, और इंडियंस यूजुअली ऑलराउंडर लैपटॉप प्रेफर करते हैं। ठीक है, माँ बाप ऐसे नहीं बोलते बेटा जरूरत के हिसाब से खरीद लो, माँ बाप सीधा यही बोलते हैं बेटा 50 के अंदर जो खरीदना है खरीद ले। तो बच्चे भी उसी हिसाब से ज्यादा वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उस सेगमेंट के लिए नहीं है दोस्तों, फॉर वैल्यू कॉन्शियस पीपल नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो ऑन दी स्नैपी टास्क कुछ करना चाहते हैं, कुछ लाइट वेट टास्क है लाइक ब्राउजिंग हो गया, सर्फिंग हो गया, वीडियो वॉचिंग हो गया दोस्तों, तो उस काम के लिए है जो है। और थोड़े बहुत प्रोडक्टिविटी टास्क जो हो गए उसी काम के लिए जो है दोस्तों ये काफी अच्छा है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये लड़की इसमें गेम खेल रही है, बट और आई थिंक माइनक्राफ्ट क्राफ्ट वाला गेम है इनका, ये वो खेल रही है। सो गेमिंग मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट लाइक थोड़ी शोबाजी करने के लिए इन लोगों ने डाल दिया हो कि हाँ भाई चलो थोड़ी बहुत ग्राफिक पावर भी है इसके अंदर। सो मे बी प्रिसीजन ट्रैक पैड दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है, और टाइपिंग एक्सपीरियंस आपका कमाल का रहने वाला है दोस्तों। जैसे कि सरफेस लैपटॉप 3 जो था दोस्तों वो काफी ज्यादा इट वॉज नोन फॉर इट्स टाइपिंग एक्सपीरियंसेस ओनली, तो ये वाला भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं बता रहा था अमेजिंग टाइपिंग एक्सपीरियंस जो है आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। फॉर फ्रेंड्स जिन लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से लिया ना, इट विल किल इन दैट डिपार्टमेंट, बट फॉर दोज पीपल दो चाहते हैं कि दुनिया भर की चीजें हमको कुछ कीमत में मिल जाए, तो सॉरी फ्रेंड्स यू हैव टू लुक समवेयर एल्स। बात करते हैं और कुछ आगे, तो USB-C एंड USB-A पोर्ट जो है आपको देखने को मिलते हैं, और एक ऑडियो जैक देखने को मिलता है। पोर्ट सिचुएशन के बारे में आगे बात करूंगा। बैकलिट कीबोर्ड जो है दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है। स्टूडियो माइक्स जो है दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। एंटायरली दोस्तों वर्क फ्रॉम होम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उस हिसाब से जो है दोस्तों इस चीज को बनाया गया है। बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। HD वेबकैम 720p 30fps वाला आपको दिया गया है दोस्तों। मैं बता दूं माइक्रोसॉफ्ट के जो वेबकैम रहते हैं स्पेशली सरफेस जनरेशन वाले वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, लाइक इट इज मेंट फॉर वर्क फ्रॉम होम थिंग। सो वर्क फ्रॉम होम अगर आप काम कर रहे हैं और आपका जो वर्किंग सिनेरियो है काफी ज्यादा लाइट वेट है, तो दोस्तों डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस। ओमनीसोनिक स्पीकर्स, ये कुछ डॉल्बी ऑडियो ऐसा कुछ कह नहीं रहे दोस्तों, लाइक ओमनीसोनिक स्पीकर्स। और मैं फ्रेंड्स बताता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट के जो स्पीकर्स रहते हैं काफी ज्यादा क्रिस्प रहते हैं, लाउड एक्सट्रीम में नहीं कह सकता, लेकिन हाँ डेफिनेटली क्रिस्प वो रहते हैं। फास्ट चार्जिंग का दोस्तों उनका जो एक खुद का प्रॉपर्टी जो आता है दोस्तों मैग्नेटिक वाला, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इंटेल का i5 अप टू देखने को मिल जाता है 10th जनरेशन, यहाँ पे आपको i3 मिल जाएगा, और सुनने में आया दोस्तों कि पेंटियम वाला भी आपको देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज ऑप्शंस की मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर, तो स्टोरेज ऑप्शन अप टू 256GB हर जगह पे लिखा है दोस्तों, तो डेफिनेटली 64, 128 और 256 ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलने वाली है। रैम की बात करें तो अप टू 16GB इन लोगों ने लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली 4GB रैम, 8GB रैम और 16GB रैम जो है आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट साइनिंग है दोस्तों यहाँ पे, यानी पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले जो है दोस्तों मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, एकदम जो है सुडोल, एकदम एजेस जो है इसके उतने शार्प नहीं है।
12.4 इंच की जो है यहाँ पे आपको टच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। कलर्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपका क्या मानना है दोस्तों इस लैपटॉप के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। और कुछ आगे बढ़ते हैं, जैसे कि पोर्ट सिचुएशन जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को साफ साफ मिल सकती है। दूसरे तरफ कुछ नहीं है दोस्तों, दूसरे तरफ सिर्फ चार्जिंग वाला उनका मैग्नेटिक वाला पोर्ट है और पोर्ट सिचुएशन के नाम पे आपको दो पोर्ट मिलते हैं। स्टिल इट्स गुड, आप डोंगल वोंगल लगा के और कुछ चीजें करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों काफी एग्रेसिव डिस्काउंट देते हैं तो इंडिया में स्टूडेंट्स के बीच में जो है ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो सकती है। आप लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक रोज गोल्ड टाइप जो है इनका कलर आपको देखने को मिलता है और ये ब्लूइश कलर है दोस्तों यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाता है। और दैट्स इट फ्रेंड्स फॉर टुडेज वीडियो। आपके कुछ भी मुझे डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस।